जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति चौरसिया, योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लॉथ्स फाइबर टू फैब्रिक। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट एनिमल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनिमल फाइबर्स। द मेन एनिमल फाइबर्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज आर वुल एंड सिल्क। यानी कि वुल और सिल्क दो एनिमल फाइबर्स ऐसे हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं। And first animal fiber is the wool. Wool is fiber obtained from hair of various species of sheep and some other animals. यानी कि जो wool होता है वो sheep के बहुत सारी species होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, उनसे उनके hair से बनाया जाता है। और कुछ animals होते हैं like camel, yak, rabbit, इनके hair से भी wool को obtain किया जाता है, बनाया जाता है, wool fiber को prepared किया जाता है। The hair is removed for using clippers and the process is called shearing. यानी कि इन एनिमल्स के हेयर को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, जिनको हम शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। शेयरिंग प्रोसेस के बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेल में, वहाँ पे ये क्लीन होते हैं, मशीन में क्लीन किए जाते हैं और फिर ये फाइबर के फॉर्म में नीट किए जाते हैं। एज वुल इज़ प्लफी, इट कैन रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, एयर बींग बैड कंडक्टर ऑफ हीट, डोंट लेट द बॉडी हीट एस्केप टू द सराउंडिंग, हेंस वुलन क्लॉथ्स आर कम्फर्टेबल टू वियर इन। एयर जो होता है बैड कंडक्टर, हीट का बैड कंडक्टर होता है, जिससे कि बॉडी हीट को वो बाहर नहीं जाने देता है और बाहर की जो ठंड कोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसको हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देता है, इसलिए हम इसको विंटर सीजन में वेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है और इंडिया भी टॉप 10 में आता है। वूल कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, वूल को बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स के हेयर से हेयर निकाले जाते हैं वो तो मोस्टली ब्राउन, ब्लैक और वाइट कलर में होते हैं, और उनको डिफरेंट कलर देने के लिए वूल फाइबर को उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा शिप और रैबिट इज़ वेरी वार्म। यानी अंगोरा शिप और अंगोरा रैबिट से निकाले जाने वाला, ऑप्टेन किए जाने वाला वुल बहुत ज़्यादा वार्म करता है बॉडी को हमारे। नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज़ द सिल्क। प्योर सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वार्म। यानी कि सिल्क फाइबर जो होता है सिल्क वार्म के कोकून से ऑप्टेन किया जाता है। सिल्क वार्म जो होता है, सिल्क वार्म लार्वा मलबेरी लीव्स को खाता है और धीरे धीरे ग्रो पिलर में ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम caterpillar change into the pupa and then cocoon. At this stage cocoon are boiled in water to kill the insects. यानी cocoon को water में boil किया जाता है insects को kill करने के लिए और cocoon को निकालने के लिए, जहाँ से silk strand को separate किया जाता है easily. Now it's spun into a reel. यानी इनको reel में spun किया जाता है और फिर इनसे silk cloth बनाने के लिए use किया जाता है. Silk is used for making silk saree and also used for embroidery. Our next topic is the how is cloth made. यानी कि cloth बनाया कैसे जाता है। Cloth is made up of fiber which involves mainly two steps. यानी कि cloth fiber से prepare किया जाता है जिसमें two steps होते हैं, spinning and weaving. Naturally occurring fibers are small in size so it needs to be spun. यानी कि जो natural occurring fibers होते हैं animal and plant fibers, वो जो होते हैं वो छोटे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, इसके लिए इनको स्पन किया जाता है। यानी एक में एक फाइबर में दूसरा फाइबर को स्पन किया जाता है, जिससे कि जो फाइबर्स होते हैं वो लंबे हो जाएं और जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं फाइबर्स के, उनको ट्विस्ट करके लंबा फाइबर बनाया जाता है, जिसको हम यार्न कहते हैं। फाइबर्स इज स्पिन इनटू यार्न बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। यानी स्पिनिंग मशीन की हेल्प से फाइबर को स्पिन किया जाता है यार्न में। स्पिनिंग इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर बाई ट्विस्टिंग एंड इंटरलॉकिंग द फाइबर्स टू फॉर्म यार्न। स्पिनिंग की वजह से जो फाइबर की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फाइबर द यार्न सो प्रिपेयर्ड इज डाइड इन वेरियस कलर्स। यानी कि जो यार्न फाइबर से जो यार्न प्रिपेयर्ड होता है उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर में और फिर उसको ब्लीच किया जाता है कलरलेस बनाने के लिए। डाई होने के बाद यार्न्स जो होते हैं वो रील्स में रोल ऑन किए जाते हैं, जिन्हें हम बॉबिन्स कहते हैं। These bobbins are then used in weaving machine generally called loom. यानी कि फिर इन bobbins का use weaving machine में किया जाता है, loom जिसे कहते हैं। इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। इन loom machine a set of thread, यानी कि loom machine में बहुत सारे धागे होते हैं, set होते हैं, धागों का set होता है lengthwise over a loom and another set of thread is placed crosswise above
and below to get woven cloths. The lengthwise yarn is called warp and the crosswise is called weft. यानी कि जो लेंथ वाइज यार्न होता है उसको वार्प कहते हैं और क्रॉस वाइज जो होता है वो वेफ्ट कहता है. दोनों थ्रेड जो होते हैं आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं जिनकी वजह से क्लॉथ फॉर्म होता है. आर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. अराउंड 18th सेंचुरी ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप सम न्यू वराइटीज ऑफ क्लॉथ्स. यानी कि लगभग 18th सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स नए नए वराइटी के क्लॉथ्स को डेवलप करने के एबल हो गए थे. उन्होंने नेचुरल फाइबर को ही यूज़ करके उसमें कुछ केमिकल्स को मिक्स करके एक आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन किया. इससे पहले नेचुरल फाइबर नेचुरल मटेरियल सेलुलोज में उन्होंने कुछ केमिकल्स को मिलाकर डेवलप किया न्यू वैरायटी. एक न्यू वैरायटी डेवलप की जिसे हमने रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. अनदर ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर वॉज प्रिपेयर्ड केमिकली यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस. These fibers are often mixed with natural fiber to get mixed with variety of yarn. यानी कि इन fibers को भी कुछ natural fibers के साथ mix करके एक अलग तरह का fiber prepared किया जाता है जिसे हम synthetic और man-made fiber कहते हैं. इन्हें हम factories में prepared करते हैं इसीलिए इनको artificial fiber कहा जाता है. ये man-made होते हैं. Example of artificial fibers are like nylon, polyester, acrylic, polypropylene, etc. These are some variety of man-made fibers. Now, let us discuss about natural fibers, difference between natural fibers and synthetic fiber. यानी natural fiber और synthetic fiber, natural occurring fibers और man-made fiber, यानी जो human being के द्वारा prepared किया जाता है fiber, उसमें क्या difference होता है. First is the strength. यानी नेचुरल फाइबर्स की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो प्रेशर डालने पे वो एग्जर्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं. यानी कि अगर हम कॉटन कपड़े को अगर हम खींच कर फाड़ें तो वो ईजिली फट जाएगा. बट सिंथेटिक फाइबर डू नॉट टियर ईजली. लेकिन हम सिंथेटिक फाइबर जो होगा रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारी चीज़ें जल्दी फटती नहीं हैं, ईजिली टियर नहीं होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द परमिएबिलिटी. यानी कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो ईजिली किसी भी सब्सटेंस को पास होने देता है. जैसे कॉटन फाइबर हो गया तो उसमें से हम अगर वाटर को पास करेंगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा. लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होता है लेस और नॉट परमेबल, यानी कि वो बहुत कम पास करेगा सब्सटेंस को या फिर ना के नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अब्जॉर्प्शन. नेचुरल फाइबर अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. यानी कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं. लेकिन सिंथेटिक फाइबर अब्जॉर्ब्स वेरी लेस, यानी कम अब्जॉर्ब करते हैं. ड्राइंग नेचुरल फाइबर टाइम लेते हैं ड्राई होने में, बट सिंथेटिक फाइबर ड्राई जल्दी हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बर्निंग. नेचुरल फाइबर्स बर्न विथ शूटी फुल ऑफ स्मोक फ्लेम विथ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर. यानी कि इट लीव्स पाउडर लाइक ऐश. यानी कि जब नेचुरल फाइबर जलता है तो वो धुएं के साथ, मतलब धुआं निकलता है जब वो बर्न होता है, और जब वो पूरा बर्न हो जाता है तो राख बचता है, ऐश बचता है. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जब उनको बर्न किया जाता है तो ये मेल्ट होने लगते हैं, यानी पिघलने लगते हैं, और एक प्लास्टिक जैसी स्मेलिंग आती है. और जो इनका रेसिड्यू होता है यानी बचा हुआ पार्ट होता है वो बहुत हार्ड और टफ होता है. जैसे हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो कैसा चिपक जाता है, स्टिकी हो जाता है और हार्ड हो जाता है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स हो जाते हैं. मेंटेनेंस नेचुरल फाइबर्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और सिंथेटिक फाइबर्स को कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक क्लॉथ्स आर रिंकल फ्री. यानी कि बहुत सारे हम जो सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, यानी कि उनमें रिंकल्स नहीं आते हैं जिससे कि उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट अगर हम कॉटन क्लॉथ्स है यानी नेचुरल फाइबर है कॉटन क्लॉथ्स को पहनते तो हमको उनको पहनने से पहले आयरन करना पड़ता है. सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. This chapter has completed now. I hope you will be understand this chapter after watching the video. Thank you.